दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि नई हीरो सुपर स्प्लेंडर जो कि अपडेटेड मॉडल में आई है, जिसमें आपको पहले से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और इसके जो पहले वाला मॉडल है दोनों बाइकों में क्या अंतर है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप फ्रंट से देख रहे हैं दोनों बाइकों को, तो इनके मॉडल और डिज़ाइन में कोई भी अंतर नहीं दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे वाइजर में तो वही आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, हीरो का 3D लोगो मिलता है, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप स्टीकर देखेंगे तो स्टीकर में बदलाव दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर दोनों को एक साथ दिखाता हूँ तो दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे साइड से तो यहाँ पर कोई भी अंतर दोनों बाइकों में नहीं दिया गया है, वही स्टिकर, सारी चीज़ें वही हैं, सीट भी आप देखेंगे, सीट काउल, ये सारी चीज़ें वही हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो बैक लाइट, इंडिकेटर, साइलेंसर और इसका सीट काउल, ये सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई भी अंतर आपको नहीं दिया गया है, साइलेंसर भी वही लगाया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इन दोनों बाइकों में, आप यहाँ पर देखेंगे तो भैया डिजिटल मीटर, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ एनालॉग मीटर, जिसमें आपको ट्रिप मीटर भी नहीं मिलता है। ये जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है वो यहीं पर हुआ है, बाकी इसमें यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिजिटल क्लॉक मिल रही है, एक बार मैं बंद करूँगा और आप यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर भी देख लेंगे, सर्विस रिमाइंडर, यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिलेगी और यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर, ओडोमीटर। अब यहाँ पर आप मोड को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ट्रिप मीटर, और यहाँ पर आप देखेंगे रियल टाइम माइलेज भी ये बाइक आपको बताएगी, और ट्रिप मीटर भी इसमें आपको मिलने लगा है। आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर, मतलब कि एक बार मैं टैप कर दूँ मोबाइल में और आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर भी इसमें आपको मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इंजन चेक की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, साइड स्टैंड की लाइट इसमें मिलती है, लो फ्यूल वार्निंग भी आपको इसमें मिलती है, और हीरो का इसमें लोगो आपको लाइट के साथ मिलता है। इकोनॉमी मोड के लिए 40 को थोड़ा सा हाईलाइट इसमें किया गया है, बाकी स्विच और ये i3s के साथ बाइक आती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी वही सेम टू सेम मिल जाएगी। और बाकी चार्जिंग पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, तो यही अंतर दोनों बाइकों में दिया गया है। बाकी आप इधर से देखेंगे तो कोई भी अंतर दोनों बाइकों में नहीं है। अगर आप इंजन देखेंगे तो सेम वही इंजन फ्यूल इंजेक्शन के साथ 125 सीसी का आता है, और इसमें भी वही इंजन है, इंजन में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल नया इंजन है हीरो कंपनी की तरफ से। और बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको 8018 का आपको आगे ट्यूबलेस टायर मिलता है, ये वही है सेम टू सेम 8018, और आप यहाँ पर देखेंगे तो 8018 का इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, कोई भी अंतर नहीं दिया गया। इसमें आपको IBS नहीं लिखा हुआ मिलेगा, या इधर देख लेता हूँ मैं, इसमें IBS लिखा हुआ नहीं है, इसमें आपको IBS लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यही इतना अंतर इन दोनों बाइकों में दिया गया है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, साइलेंसर का डिज़ाइन हर चीज़ इसमें सेम टू सेम वही है। और इसमें जैसे कि अंतर इतना बड़ा दिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो कमी थी जैसे कि डिजिटल मीटर और ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें कंपनी ने पूरी कर दी है। प्राइस की मैं बात करना चाहूँगा तो मात्र ये लगभग 800 से 1000 रुपये ही महंगी है इस वाले मॉडल से। तो आप चाहें तो इसको भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी खरीद सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं। तो आप लोग बताएं कि अब आपको ये सुपर स्प्लेंडर ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर आपको ये सुपर स्प्लेंडर पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।